मकसद यही है कि हमारा बैंक में गवर्न हो गया बहुत बड़ा, हमने बैंक मैनेजर पे बहुत विश्वास किया, है ना, बैंक पे विश्वास किया, कई साल से बैंक में खाते चल रहे थे, गवर्नमेंट की बैंक थी इसलिए हमने माना कि सेंट्रल बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, इसलिए हमने इस बैंक पे बहुत विश्वास किया। लेकिन बैंक प्रबंधन ने पूरे ने अपने अपने झांसे में लेके सारा हमारा पैसा फर्जी तरह से निकाल लिया। सभी लोग हम बहुत परेशान हैं, सभी व्यापारी डेली जाते हैं बैंक, सबको अलग अलग बुलाती है, पूछताछ करती है, सबसे बोलती है कि तुमने कैसे किया, कितने कैसे किया, हमने तो पैसा बैंक को दिया, वो जाने उसने कैसे किया। हमारा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि हमारा सब व्यापारियों का पैसा, ये पेंशनर अंकल जी, इस गरीबों का पैसा सबके वापस दिलाया जाए। कितने कंज्यूमर हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी? भाई साहब ऐसा लग रहा है कि बैंक के 80% कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हुई है। लगभग ये मान लीजिए 800 खाते हैं तो 600 के साथ धोखाधड़ी है। क्या आश्वासन मिल रहा है? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। हमने पूछा हमारी लिमिटेड रोक दी जाए, इस पर ब्याज रोक दी जाए, तो बोल रहे हैं कि है ना आपको लिमिटेड पैसे डालने पड़ेंगे, हम कुछ नहीं रोक पाएंगे। ये अंकल जी कल मेरे सामने बैठे हुए थे, है ना, इनकी ब्याज भी काट दी, इनकी किस्त भी काट दी, सब काम कर दिया। हम बहुत परेशान हैं सभी लोग, जितने है ना जी। कितने का फ्रॉड हुआ भाई साहब? इसकी मेरी जानकारी नहीं है फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है बैंक जानकारी दे रही है उससे कम से कम ये तो 20-25 करोड़ का फ्रॉड लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप यही है, हमें कोई नहीं सुन रहा, आप हमारी बात ऊपर से ऊपर तक पहुंचाए, हमें मीडिया आके आखिरी गुहार है।